हूं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। आज का टॉपिक हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात करते हैं तो एक स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, एक मतलब एक्सपेरिमेंट। एक रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करके हम भूल जाते हैं 15 मिनट बाद। जब मैं उस रिएक्शन को देखता हूं तो उसमें कुछ प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके डिनोमिनेटर में मैं डेल्टा टी ले लूं, यानी कितना टाइम टेकन हुआ, वो चीज देखेंगे। हमने ये एंश्योर करना है कि जो प्रोडक्ट है वो जीरो से बनना स्टार्ट हुआ है, हम उसी चीज को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। यानी हमने क्या किया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमने जितना टाइम वो लेगी उसको डिवाइड कर दिया जो उसकी कंसंट्रेशन में बदलाव आया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यानी ये जो डेल्टा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज। क्या रिप्रेजेंट करता है, लार्ज चेंज, क्योंकि 15 मिनट का गैप आया तो लार्ज चेंज एंश्योर करना कि मैं जीरो से स्टार्ट करूं। 15 मिनट बाद जब मैंने रिएक्शन को देखा तो मुझे जीरो प्रोडक्ट को अज्यूम करना है, तो मेरे पास एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन क्या बन जाती है, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये एक्स क्या बता रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद टाइम टी। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कॉन्स्टेंट थ्रू आउट, ये कहा जाता है, जो एवरेज रेट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा सारी रिएक्शन पर, ऐसा नहीं होता, दैट इज फॉल्स अगर ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है। द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज विद द पैसिव टाइम, हम जानते हैं जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की समय के साथ घटती जाएगी और प्रोडक्ट की बढ़ती चली जाएगी, सो उसको जो रेट ऑफ रिएक्शन है हम उसको किसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंस्टेंट रेट में। ये हमें सही ट्रू रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करके देता, कैसे जरा समझिए। जैसे हम यहां से चंडीगढ़ जाते हैं तो चंडीगढ़ लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता होगा ये मान लेते हैं, तो 150 किलोमीटर पहुंचने में हमें 4 घंटे लगते हैं, और आजकल ट्रैफिक बहुत है, और ट्रैफिक बहुत है तो समय ज्यादा लगेगा, 4 घंटे तो लगने वाले नहीं। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं, टुकड़ों में तोड़ देते हैं। जैसे यहां से हम कहां जाएंगे, पेवा, पेवा कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, 30 मिनट लगते हैं, तो 30 किलोमीटर बाय 30 तो कितना समय लगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड कितनी होगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, रेट इतना आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं पेवा से इस्माइलाबाद गया, वो 25 किलोमीटर पड़ा मुझे, 25 किलोमीटर, ठीक है, उसका टाइम मुझे पहुंचने में कितना लगा, 25 मिनट लगे, वो भी कितना पड़ा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टुकड़ों में तोड़ देंगे हम इंस्टेंट को, क्या इंस्टेंट रेट आ गया हमारे पास, छोटा इंस्टेंट, फिर एक और इंस्टेंट, फिर एक और इंस्टेंट, ऐसे टुकड़ों में तोड़ने को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पे हम क्या देख रहे हैं, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और डी का मतलब होता है स्मॉल चेंज, क्योंकि हमने तो स्मॉल चेंजेस लिए हैं। स्मॉल चेंजेस क्या लिए, कैथल से पेवा, पेवा से इस्माइलाबाद, इस्माइलाबाद से अम्बाला, फिर चंडीगढ़, तो हमने क्या लिया, छोटे छोटे टुकड़े, डेरावासी भी हो सकता है, चीरकपुर हो सकता है, जो भी एरिया के आपको नाम पता है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। तो रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वही सेम बट डेल्टा की जगह पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, और इसको हम हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाय डी टी। एक्स का मतलब मैंने बता चुका हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है, डेल्टा टी या डेल्टा टी की जगह डी टी। नॉर्मली हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये ज्यादा यूज होने वाला नहीं, बस नॉलेज के आधार पर आपको पता होना चाहिए। एक रिएक्शन ले लेते हैं और रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इसका लेना है, तो आर इंस्टेंट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, -1/2 d N2O5, मैंने क्या यूज किया, d किसके लिए, इंस्टेंटेनियस के लिए, डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू +1/4 d NO2 डिवाइडेड बाय dt प्लस, कोई नहीं है इसका पावर, हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कोई नहीं है, तो प्लस dO2। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो एवरेज क्या हुआ, जितना समय लगा उसको डिवाइड कर दिया जितना भी चेंज आया, ठीक है, कोई टुकड़ों में तोड़ा, इंस्टेंटेनियस में स्मॉल 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 पीसेस में हमने उस रिएक्शन को तोड़ के स्टडी किया, एंड वी डिटरमाइन द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।